नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं MCQs, और ये MCQ जो है वो एम्स दिल्ली पेपर की प्रिपरेशन के लिए है, जो सफदरजंग का पेपर होना है 15 सितंबर को। तो इन MCQ के द्वारा आपके पेपर में मैक्सिमम मदद मिले, इसकी अपनी कोशिश रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर एक्सेप्ट। कॉमन सिम्टम, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं, कोई लीज सिम्टम नहीं, कोई प्रायर सिम्टम नहीं, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कॉमन सिम्टम, और पूछा किसका है, ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसका मतलब तीन आंसर सही रहेंगे, एक आंसर गलत रहेगा। देखें अपन क्या क्या सिम्टम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है कॉफ फॉर 3 वीक्स और मोर समटाइम विद ब्लड स्ट्रिक्ट स्पुटम। इसका मतलब है 3 सप्ताह और उससे ज्यादा समय तक के लिए कॉफ होना, और कभी कभी उसमें ब्लड स्ट्रिक्ट होता है, दैट इज नॉन एज हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस जब जो है कफ के साथ में ब्लड आता है तो उसको हीमोप्टेसिस कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ये कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस में लंग में कैविटेशन हो जाता है और उसकी वजह से कॉफ के साथ में क्या आता है, ब्लड आता है। तो कॉफ फॉर 3 वीक्स और मोर समटाइम विद ब्लड स्पुटम जो है ये कॉमन सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये तो होना चाहिए। सेकेंड वन, फीवर स्पेशली एट नाइट। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है और उसमें फीवर रहता है, और ज्यादातर ये नाइट के टाइम में ज्यादा होता है विद स्वेटिंग। तो जब भी फीवर आता है, अपनी बॉडी का हाइपोथैलेमस उसको हीट को लॉस करने के लिए स्वेटिंग करवाता है, तो फीवर विद स्वेटिंग नाइट के समय आना ट्यूबरक्लोसिस का साइन है। नेक्स्ट, वेट गेन। तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो जिसको ट्यूबरक्लोसिस होता है वो वेट लॉस करता है, तो ये होता है लेकिन वेट गेन पेशेंट नहीं करता है, पेशेंट क्या करता है, वेट लॉस करता है, तो ये गलत है। लास्ट वन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को एनोरेक्सिया हो जाता है, इसको एनोरेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लड स्पुटम सॉरी स्पुटम विद ब्लड दैट इज हीमोप्टेसिस, कॉफ फॉर 3 वीक्स, फीवर स्पेशली एट नाइट और लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया, ये ट्यूबरक्लोसिस के कॉमन सिम्टम होते हैं, लेकिन वेट गेन वहाँ पे नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा वेट गेन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में नहीं रहता है, दैट इज वेट गेन। बात करें अपन नेक्स्ट स्लाइड का, तो हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, एसटीडीज कहते हैं इनको, आर पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने है इस प्रोग्राम के अंदर 2013 तक अचीव करना, कौन कौन कितने गोल है, नंबर में है 17, 13, 14 और 12। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है, हेल्थ सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए थे, और ये टोटल नंबर के अंदर 17 होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और टोटल नंबर में कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 17। 13, 14 और 12 जो है वो रीडिंग गलत यहाँ पे दी हुई है। तो आंसर नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ आशा, कई बार पूछा हुआ सवाल है, सब सेंटर पे काम करती है, आशा का फुल फॉर्म क्या रहता है। विलेज लेवल पे हेल्थ सिस्टम, जो बेसिक लेवल पे हेल्थ सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो होती है वो आशा होती है, और ये जो होती है 1000 पॉपुलेशन पे पोस्टेड होती है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ है। आशा कहाँ काम करती है, रूरल एरिया में ये वर्क करती है। पहला है आयुर्वेदा सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष जो एक कंपोनेंट है उसमें होता है, ये वर्ड आते हैं आयुष, अपन पढ़ते हैं आयुष, है ना, आयुर्वेदा, यूनानी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, है ना, योगा, तो ये उसके अंदर आता है। तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, वो आयुष डिपार्टमेंट होता है, तो इससे संबंधित आशा की फुल फॉर्म नहीं है। सेकेंड वन, एरिया ऑफ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक्शन, ये गलत इसका फुल फॉर्म है। थर्ड वन, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दैट इज करेक्ट वन, एक्रेडिटेड सोशल एक्टिविटीज द फुल फॉर्म ऑफ आशा, पोस्टेड एट 1000 पॉपुलेशन और रूरल एरिया के अंदर पाई जाती है, रूरल रूरल एरिया, है ना, ये कोई किसी मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल या वहां काम नहीं करती है, रूरल एरिया में काम करती है, आशा के नाम से ये जाना जाता है। नन ऑफ दीज इज द रॉन्ग वन, तो राइट आंसर इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी गिवन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डेंगी फीवर। डेंगी फीवर एक वायरल फीवर है, वायरल फीवर है, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस, और डेंगी फीवर जो होता है वो मॉस्किटो बाइट से होता है, कैरियर जो इसका रहता है
मॉस्किटो रहता है, और मॉस्किटो कौन सा होता है? तो जवाब है इसका एडीज, एडीज मॉस्किटो ये काम करता है। डेंगू फीवर जो होता है वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये वायरस जो होता है वो बॉडी में जाके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइट्स काउंट, दैट इज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जो होती है उन काउंट का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा है इसके मैनेजमेंट में कौन सी दवाई काम में लेते हो, तो बेसिकली डेंगू फीवर जो होता है वो बोन ब्रेक फीवर है, इसका दूसरा नाम है एक बोन ब्रेक फीवर। बोन ब्रेक फीवर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब फीवर आता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है बॉडी में, तो इसको बोन ब्रेक फीवर के नाम से जाना जाता है। अब इस डेंगू फीवर को मैनेज करने के लिए दवाई कौन सा काम में लेते हैं, तो बेसिकली आपको इसके लिए देना पड़ेगा एनाल्जेसिक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे एस्प्रिन, जो एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, एनसेड ग्रुप की दवाई होती है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे आइबुप्रोफेन, जो एक आल्सो एनाल्जेसिक ड्रग के अंदर आता है एनसेड ग्रुप की। तीसरा पैरास्टामोल, जो एक एनाल्जेसिक है, और चौथा है एनसेड। तो ये सारे ही एनसेड में ही आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि डेंगू के अंदर जब हम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो अगर आप एनसेड देते हो, जिस एनसेड में प्रमुखता दो एनसेड होती है, एक एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन, ये दोनों एनसेड की सबसे अच्छी एनसेड मानी जाती है। डेंगू फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम होता है, इसलिए हम एनसेड स्पेशली एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन काम में नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फिर फर्दर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है, जिससे मरीज ऑलरेडी ब्लीडिंग रिस्क पे होता है और ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि इनके एक्शन जो होते हैं वो एंटी प्लेटलेट एजेंट, एस्पिरिन को माना जाता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देती है, तो ऑलरेडी ब्लीडिंग रिस्क पे मरीज को ये दवाई नहीं दे सकती। तो सबसे सेफेस्ट दवाई जो रहती है डेंगू के अंदर वो रहती है पैरास्टामोल। इसे डेंगू के मैनेजमेंट में हम मरीज को पैरास्टामोल एडवाइज करते हैं, बाकी दवाई यहाँ पे काम में नहीं लिया जाता है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और एनसेड काम में नहीं लेना है। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो वो कौन सी रहेगा, पैरासिटामोल रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज पैरा, द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यूजुअली कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एयर मतलब एनवायरमेंट में, तो हम पढ़ते हैं 78% जो होती है एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है। अच्छा, 21% जो होती है एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, और बचा हुआ जो 1% है उसमें अदर गैसेज होती है। अदर गैसेज बहुत सारी होती है एनवायरमेंट में, वो पाई जाती है। गैसेज का रेशियो होता है एनवायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर। यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन, तो ऑप्शन में अपन देखते हैं कहाँ है, 10% नहीं होता है, 21% इज द करेक्ट वन, 41% और 80%। तो द करेक्ट आंसर इज 21%, दैट इज द नॉर्मल गैसेज लेवल, ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरमेंटल एयर। अपन सवाल पूछा हुआ है मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड, मैक्सिमम रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जो ब्लड को ज्यादातर इकट्ठा करके रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड चलता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड एओटा में जाता है, एओटा से पल्मोनरी आर्टरी, और एओटा से जो है आर्टरी, आर्टरी से जो है आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरीज की तरफ जाता है। तो रिजर्वायर वो है जहां ब्लड जाके रुकता है। पहला दिया हुआ वैन, तो वैन सबसे बड़ी जो वेना केवा होती है, वेना केवा के बाद में उसका वैन होता है, फिर वीनस कैपिलरीज होती है। दूसरा एओटा, एओटा सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है, उसके बाद आर्टरी, आर्टियोल और कैपिलरीज होती है, फिर हार्ट, हार्ट एओटा से पहले आता है, और लास्ट वन कैपिलरीज। तो जो सबसे छोटा पोर्शन है वो कैपिलरीज है, और ब्लड जब पंप हो जाएगा वो एओटा में जाएगा या किसी वैन में होता है, वैन से हार्ट में, हार्ट से लंग्स को, लंग से हार्ट में, हार्ट से एओटा में, तो हार्ट एओटा में भेजते हैं, एओटा से आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्टियोल में जाता है, आर्टियोल से आर्टियल कैपिलरीज, और उधर से वीनस कैपिलरीज। तो बेसिकली जहां ब्लड इकट्ठा होता है और जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है वो पोर्शन कैपिलरीज रहता है। तो रिजर्वायर जो रहेगी ब्लड की वो कौन सी रहेगी, कैपिलरीज। ना तो वैन उसको रिजर्व करके रखती है, ना एओटा रखता है, ना हार्ट रखता है। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कैपिलरीज। बात करें अगला, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करना, मूवमेंट को सही तरीके से अंजाम देना, हम इसको कह सकते हैं पोस्चर एंड बैलेंस। ना कोऑर्डिनेशन तब बनेगा जब आपका पोस्चर और बैलेंस क्या होएगा, सही होएगा। तो पोस्चर और बैलेंस को मैनेज करने वाला रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसको अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, प्रोएन्सेफलोन और डायन्सेफलोन। डायन्सेफलोन के चार पार्ट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, बेजल गैंग्लिया, सेरी जो है लिम्बिक सिस्टम, बेजल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के पार्ट नहीं होते हैं, हिंड ब्रेन के पॉन्स, मिडल ऑब्लिकेट और सेरिबेलम। एक और क्लासिफिकेशन इसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम हम पढ़ते हैं, और ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं,
मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑर्गन जो रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन, पोस्चर और बैलेंस के लिए। तो बेसिकली ये काम जो होता है वो सेरिबेलम का होता है। कहाँ है ऑप्शन में अगर अपन देखें तो ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम खुद के तीन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो उसके अंदर सेरिबेलम नहीं आता है। दूसरा है थैलेमस, थैलेमस डायन्सेफेलोन का एक पार्ट है, उसमें सेरिबेलम नहीं आता है। चार पार्ट होते हैं डायन्सेफेलोन के, जिसका एक पार्ट है थैलेमस। सेरिबेलम जो एक अलग पार्ट है और ये वो ऑर्गन है जो बॉडी में पॉस्चर और बैलेंस बनाता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और अगला है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायन्सेफेलोन का एक पार्ट है, थैलेमस के नीचे सिचुएटेड रहता है और टेम्परेचर का रेगुलेटिंग सेंटर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सेरिबेलम, दैट इज करेक्ट वन, सी। नेक्स्ट वन, द स्पेस बाय विच ड्यूरा मेटर एंड वर्टिब्रल वॉल इज नोन एज। ड्यूरा मेटर और वर्टिब्रल वॉल के बीच के स्पेस को, तो जो है वर्टिब्रा ऊपर की तरफ पाई जाती है, उसके नीचे ड्यूरा मेटर होती है जो कि फर्स्ट कवरिंग है मेनिंजेस की, फिर पाया मेटर, एरेक्नोइड मेटर होती है, फिर पाया मेटर होती है। तो यहाँ ड्यूरा मेटर और बोन के बीच का स्पेस पूछा, तो मतलब ड्यूरा मेटर के ऊपर का स्पेस, और ड्यूरा मेटर के ऊपर के स्पेस को हम नाम देते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो सवाल ने पूछा है, यही पूछा है कि ड्यूरा मेटर और वर्टिबल वॉल, वर्टिबल वॉल मतलब बोन के बीच का स्पेस कौन सा है, तो जवाब रहेगा इसका एपिड्यूरल स्पेस। पहला है कैविटी, तो इसको कैविटी नहीं बोला जाता है। दूसरा आंसर है एपिड्यूरल स्पेस, दैट इज करेक्ट वन, एपिड्यूरल स्पेस होता है। तीसरा है सब ड्यूरल, सब ड्यूरल ड्यूरा मेटर के नीचे, दैट मीन की ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच का, यहाँ पूछा ड्यूरा और वर्टिबल वॉल, अगर ड्यूरा और एरेक्नोइड मेटर के बीच का पूछते तो सब ड्यूरल स्पेस आंसर बनता। और अगला दिया हुआ है सब एरेक्नोइड स्पेस, तो सब एरेक्नोइड स्पेस एरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर के बीच में होता है, तो ये स्पेस सब ड्यूरल है, ये है सब एरेक्नोइड स्पेस। पूछा अपने को ये वाला है, तो आंसर इसका रहेगा एपिड्यूरल स्पेस, बी इज द करेक्ट वन, दैट इज एपिड्यूरल। मोस्ट ऑफ दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर, फैट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है जीआई सिस्टम के अंदर। इंटेस्टाइन वो ऑर्गन है जो फूड का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। यहाँ पे पूछा है फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर होता है। ऑप्शन की तरफ हम बढ़े, पहला है ड्यूडिनम, वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है और फैट वहां पे टूटता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरा दिया हुआ है जेजुनम, ये पार्ट है जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होते हैं। इलियम और सिकम, ये एरिया जो है वहां पे कुछ न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो मैक्सिमम फैट का जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो पार्ट रहता है जेजुनम, जेजुनम इज द पार्ट वेयर फैट इज मैक्सिममली एब्जॉर्ब्ड। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च कब हुआ था, तो ये इसका ईयर जो माना जाता है वो 2005 को माना जाता है, दैट इज करेक्ट वन, 2005। जननी शिशु सुरक्षा योजना है ना, JSY जो है, जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSY जो होता है वो भी 2005 के अंदर लॉन्च हुई थी एनआरएचएम के साथ ही 2005 के अंदर। तो ये जो है 2005 की कहानी है, आंसर इज द 2005 करेक्ट वन। सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया, हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, उसको हर्निया कहते हैं, और उसका सर्जरी को क्या नाम दे, तो हर्निया को रिपेयर किया जाता है, कोई अंग को बाहर नहीं निकालता, रिपेयरिंग सर्जरी के लिए वर्ड लेते हैं प्लास्टी, और हर्निया का रिपेयर करते हैं तो हर्नियोप्लास्टी। तो करेक्ट आंसर इज हर्नियोप्लास्टी, प्लास्टी मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें आप कोई ऑर्गन हटाते नहीं है उसी को वापस सेट करते हैं, रेपी वर्ड या प्लास्टी वर्ड काम में लेते हैं, यहाँ आंसर है हर्नियोप्लास्टी। फिस्टुलेक्टमी गलत है, हर्नियेक्टमी गलत है, नेक्टमी नहीं करते हैं, लेप्रोस्कोपी इसको नहीं कहते, तो आंसर इज हर्नियोप्लास्टी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर फीटस इज डिलीवर। तीन स्टेज होती है लेबर की। स्टेज वन के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है 10 सेंटीमीटर, स्टेज टू में बच्चा डिलीवर होता है, स्टेज थर्ड प्लासेंटा डिलीवर होता है मैन मैन, स्टेज फोर जो होती है वो प्यूपेरियम की स्टेज होता है। तो तीन स्टेज मैन होती है, चौथ फोर्थ स्टेज प्यूपेरियम का रहता है। तो यहाँ पे पूछा फीटस, तो ये सेकंड स्टेज की कहानी है। तो स्टेज वन में जो होता है वो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, स्टेज वन को हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन ना, डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेट होता है। स्टेज टू के अंदर जो होता है वो फीटस डिलीवर होता है स्टेज टू के अंदर, और स्टेज थ्री के अंदर जो होता है प्लासेंटा डिलीवर। यहाँ पे पूछा है फीटस डिलीवर, तो जवाब क्या बनेगा स्टेज टू, दैट इज करेक्ट वन, बी। इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट, ईसीजी में पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, हम नॉर्मल ईसीजी देखते हैं उसमें पी वेव बनती है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो है टी वेव बनती है। तो पी QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव, सवाल ये पूछा कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो बेसिकली हार्ट में दो चीज होती है एट्रिया और वेंट्रिकल। पी वेव जो होती है वो एट्रिया के डीपोलराइजेशन से बनती है, QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से बनता है, और टी वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से बनती है। तो यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज करेक्ट वन, इससे पी वेव बनती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। दूसरा है यहाँ पे
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है ना। और तीसरा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से टी वेव बनती है यहाँ पे। और लास्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे एट्रियल रीपोलराइजेशन, तो एट्रियल रीपोलराइजेशन तब होता है जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पी वेव का पूछा है, तो आंसर रहेगा एट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन लगाने का तरीका क्या रहता है। पहला दिया हुआ है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो बीसीजी सबक्यूटेनियस नहीं लगता है, सबक्यूटेनियस लगने वाले इंजेक्शन को मीजल्स बोलते हैं। मीजल्स एक वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस लगता है, बीसीजी वैक्सीन सबक्यूटेनियस नहीं लगता है। इसके अलावा हिपेरिन, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन जो LMWH होता है उसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, और इंसुलिन जो होता है इंसुलिन उसको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस लगाने वाले कुछ ये नाम है मेडिसिन के अंदर जिनको सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस एक लेयर है स्किन की, थर्ड लेयर को माना जाता है, हाइपोडर्मिस लेयर और सबक्यूटेनियस लेयर। इंट्राडर्मल स्क्रेस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल बीसीजी हमेशा इंट्राडर्मल लगता है, इंट्राडर्मल हम एक AST टेस्ट करते हैं उसको इंट्राडर्मल। मोनटॉक्स, मोनटॉक्स का इंजेक्शन जो टीबी का सेंसिटिव टेस्ट है उसको हम जो है इंट्राडर्मली PPD लगा के करते हैं, इंट्राडर्मल BCG को लगाया जाता है। AST इंट्राडर्मल करते हैं आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट देने से पहले किया जाता है इंट्राडर्मल, ये आंसर बनेगा। अच्छा, इसके अलावा इंट्रावीनस, तो BCG कभी भी इंट्रावीनस नहीं लगाते हैं, मेडिसिन इंजेक्शन सारे इंट्रावीनस देते हैं। जेड ट्रैक इंजेक्शन, आयरन प्रिपरेशन के जो इंजेक्शन होते हैं, ऑयली इंजेक्शन जो होते हैं उनको जेड ट्रैक मेथड से डीप इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ये तरीका वो रहता है। तो यहाँ आंसर रहेगा इंट्रा डर्मल, BCG हमेशा लगता है इंट्रा डर्मल। तो लास्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन विल कॉज एल्जीमर डिजीज, एल्जीमर डिजीज कौन सा, किसकी डेफिशिएंसी न्यूरोट्रांसमीटर से होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है सीरोटोनिन, तीसरा है गाबा और चौथा है डोपामिन। तो एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डेफिशिएंसी से एल्जीमर डिजीज होता है, सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन वहां पे देखने को मिलता है डिप्रेशन, गाबा का लेवल जो है कम हो जाता है तो एंजाइटी होता है, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस जब भी होता है एंजाइटी, न्यूरोसिस की एक डिजीज है, और न्यूरोसिस गाबा का लेवल कम होने की वजह से होता है। डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से ऑर्गेनिक ब्रेन की एक डिजीज होती है, नाम देते हैं उसको पार्किंसंस डिजीज, तो यहाँ पे पार्किंसोनिज्म होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एल्जीमर का, तो एल्जीमर जो होता है वो एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी, बाकी तीनों की डेफिशिएंसी से नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो ये कुछ MCQs थी जो दिल्ली एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी MCQ को सुनने के लिए जुड़े हुए रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको अच्छी लगी MCQ को तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि जो है आपको मैक्सिमम फायदा पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन बटन जरूर दबाए ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास में पहुंचे। बहुत सारे MCQ अपन डिस्कस करने वाले हैं और MCQ के थ्रू बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। और इसी तरीके से सुनते रहिए और खुश रहिए, मजे में रहिए, और मेरे चैनल को जरूर लाइक करें ताकि, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेफिनेटली मैं आपकी उतनी मदद कर सकूं ताकि आप गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे को खटाक से टच कर सके और अपनी जिंदगी को एक ब्राइट लाइफ बना के मैक्सिमम लोगों की इन फ्यूचर मदद करने के काबिल बन सके। धन्यवाद।